और इसी के साथ दोनों ही टीमें मैदान के अंदर ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं। येलो कलर की जर्सी में मेकॉन की टीम और वहीं रेड कलर की जर्सी में बहु बाजार की टीम। कौन कौन देखना चाहते हैं जरा तालियां तो बजाइए मेकॉन के सपोर्टर्स। और वहीं बहु बाजार के कितने सपोर्टर्स मौजूद हैं इस मैदान में, थोड़ी सी शोरगुल होनी चाहिए कि नहीं? जी हाँ, तो काफी संख्या में दोनों ही टीमों के विनोद जो की मेकॉन के कैप्टन है और इसी के साथ अर्जुन जी की विजु के साथ मैच का की काउंट हो चुका है। क्वार्टर फाइनल का मैच मेकॉन ने शुरुआत किया है, किक ऑफ किया है। शुरुआती शर्मैया में मौका और मेकॉन ऐसे मौके को बिल्कुल सही साबित कर देता है। दूसरे मौके में बहुत ही आसान सा यहाँ पे पुश करना था और गेम फुटबॉल दो गोल्स के अंदर चली गई है। शुरुआती शर्मैया मेकॉन इस मैच में एक गोल की बढ़त हासिल कर चुकी है, क्या शानदार। अभी पूरा मैच बाकी है, स्टार्ट हुआ है, करना मुश्किल है। दोनों ही टीम आज पहुंची है क्वार्टर फाइनल तो जरूर अपने बनभूते टीम को पहुंचाई है। अभी तो स्टार्ट है, बहुत सारे समय बाकी है, अभी 70 मिनट का मैच। पूरी तैयारी के साथ मैदान चल रहे और
इससे पहले कि कुछ होने की उम्मीद लेकिन यहां पे अर्जुन की विसल एक और अच्छा वो यहाँ पे मेकॉन के द्वारा मेकॉन की टीम के लिए प्रत्येक स्थान पे ऐसे कर मैदान के अंदर है बाकी जो बहु बाजार है अच्छा मौका बना था पवन के पास सारे की टारगेट पे गेंद को रख नहीं पाए एक गलत पास जो मौका बन रहा था वो कहीं मौका बन गया है बहुत ही अच्छा बचाव यहाँ पे मिड फील्डर के द्वारा Thank you.
गोल ना एकर मचवा लागा दियो भाई मज मिल रहा है जोने एकर रे हां फुटबॉल में जुगे में लागा दियो और बारिश के बावजूद भी खिलाड़ियों के अंदर इतना जोश एनर्जी फुटबॉल के प्रति दीवानगी और पागलपन ये भी दर्शाता है कि ऐसे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। फिलहाल बहु बाजार के लिए चुनौतियां बढ़ती हुई बहु बाजार के जाने वालों के लिए थोड़ा सा तो मुश्किल बढ़ा है, लेकिन आप अपने टीम का हौसला बढ़ा सकते हैं अपनी जोरदार तालियों से। आपकी तालियां भी कैसे बजाएंगे, एक बात से भैया तक नहीं पकड़े हुए, मुश्किल है। मामला यहाँ पे कॉल कर सकते हैं देख लेते हैं। हमारी पवन शॉट के लिए बिल्कुल तैयार है।
चलेगा भगत तो क्या रोकेगा कौन? अब ऊपर से ही निकल गई, जोर से भावना कहीं नहीं बची हुई नजर आ रही थी, दूर दूर बादल।